नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं महाखबर। आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से आज शराब नीति मामले में सीबीआई ने पूछताछ की। पूछताछ के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए केजरीवाल ने कहा कि पूरी इज्जत के साथ सीबीआई ने मुझसे सवाल पूछे, जितने सवाल उन्होंने पूछे मैंने सबका जवाब दिया। कथित शराब घोटाला झूठ है और आम आदमी पार्टी एक कट्टर ईमानदार पार्टी है। हम मर जाएंगे लेकिन भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। 30 साल में बीजेपी से गुजरात में एक अच्छा स्कूल नहीं बना। लोगों ने देख लिया है कि 75 साल में जो देश में काम नहीं हुआ वो दिल्ली में पिछले कुछ दिनों में हुआ है। ये आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहते हैं। सीबीआई के शराब नीति को लेकर हर तरह से सवाल मुझसे पूछे। सीबीआई ने मुझसे 56 सवाल पूछे। वो मुझे आगे बुलाएंगे या नहीं मुझे नहीं पता। मेरा मानना है कि पूरा का पूरा केस गलत है, फर्जी है। आम आदमी पार्टी के लोग आवाज उठा रहे हैं, उन्हें प्रदर्शन करने से रोका जा रहा है, उन्हें हिरासत में लेना गलत है। विधानसभा सत्र को लेकर उन्होंने कहा कि यह नियम के अनुरूप है। मैं चाहता हूं कि एलजी साहब संविधान और नियमों को पढ़ लें। मैं चाहता हूं कि वो किसी अच्छे सलाहकार को रख लें। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सीबीआई द्वारा समन भेजे जाने के विरोध में रविवार को आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। देश के कई राज्यों में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया। दिल्ली के कई जगहों पर कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। शराब नीति पर क्यों उठ रहे हैं सवाल, यह भी समझ लीजिए। थोक लाइसेंस धारकों का कमीशन बढ़ाकर 12% फिक्स किया गया, वहीं बड़ी कंपनियों की मोनोपोली बढ़ाने के आरोप लग रहे हैं। शराब सरकारी दुकानें नहीं बल्कि केवल निजी दुकानें बेचेंगी और शराब दुकानदार भारी रियायत पर शराब बेच रहे थे। पहले से ज्यादा बड़ी दुकानें खुली, चर्चा बढ़े और पूरा मसला है मार्च 2021 का, जब मनीष सिसोदिया ने नई आबकारी नीति का ऐलान किया। अब शराब बस निजी क्षेत्र बेचेगा और न्यूनतम 500 वर्ग फुट क्षेत्र में खुलेगी दुकान। दुकान का कोई भी काउंटर सड़क पर नहीं होगा। दिल्ली में शराब की दुकानों का सामान वितरण कुल दुकानें 850 थी, उतनी ही रहेंगी और इसके बाद से ही दिल्ली में मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ने लगी। सीबीआई ईडी के छापे से सिसोदिया के गिरफ्तारी तक बहुत कुछ बदला, लेकिन अगर कुछ नहीं बदला तो वो हैं सिसोदिया की मुश्किलें।